हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कनाडा की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक नई जानकारी सामने आई है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कनाडा का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोविड-19 के कारण आरजी तौर पे छूट दी गई थी कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे 31 दिसंबर 2021 तक, तो उनके लिए पॉलिसी रहेगी कि अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो भी उनको मान्यता मिलेगी कि वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर तक ही ये जो पॉलिसी थी वो लागू है, मीन्स कि अभी एक महीने का ही टाइम रह गया है। इसीलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को याद दिलवाया जा रहा है कि स्टूडेंट की तरफ से इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए। कनाडा के बाहरले मुल्कों में बैठे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनको उनके पास मंजूरी आ गई है कि स्टडी परमिट की मंजूरी उनके पास आ गई है, लेकिन उनके पास अगर वीज़ा पूरे टाइम के ऊपर नहीं पहुंचता तो उनकी फाइल की जो प्रोसेसिंग है वो अधूरी है, तो वो जनवरी इनटेक में उनको इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो कनाडा के बाहरले मुल्क में बैठकर ही अपनी पढ़ाई कर सके। अगर वो जो भी है ऐसा करते हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने की जो शर्तें हैं अगर वो पूरी नहीं करते तो उन्हें आगे जाकर वर्क परमिट लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को पहले ही याद दिलवाया जा रहा है, जिसके लिए जो भी DLE प्रोग्राम के लिए उन्होंने जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हुई है उनके साथ उनको संपर्क करना चाहिए। अगर आपकी फाइल की प्रक्रिया जो है जनवरी इनटेक के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरी नहीं करते तो उनको इस बात की चोन करने की परमिशन नहीं होगी कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। मीन्स के जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो 31 दिसंबर 2021 तक ही बच्चे कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से ये लागू है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की शर्तों को पूरा उन्हें करना है तो उनको पढ़ाई कनाडा जाकर ही करनी पड़ेगी। इसके लिए अगर 2022 के अंदर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी कारण कनाडा नहीं पहुंच सकता और अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर सकता तो वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकता है कि वो आगे की पढ़ाई अगले सेमेस्टर में जाके करेगा, ना कि ऑनलाइन करेगा। तो इस बात को स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ये बात स्टूडेंट को पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस खबर के रिगार्डिंग डिटेल में जानकारी आप कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca वहां जाकर भी ले सकते हैं। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो बच्चे कनाडा से बाहर के देशों में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें और उन्हें फ्यूचर में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9882950 इस नंबर के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।